बिहार में अपराध और अपराधियों का मनोबल चरम पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे रोकने में विफल हो रहे हैं। ये बातें जहानाबाद के शकूराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने के क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कही। शकूराबाद जाने के क्रम में जहानाबाद के अरवल मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने रुपेश हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार सूबे में अपराध को रोकने में विफल साबित हो रही है। गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है, इसलिए उनसे आग्रह है कि अपराध को नियंत्रित करें और अपराधियों के बढ़ते मनोबल पर लगाम लगाएं। इस दौरान चिराग ने रुपेश हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रोड रेज की घटना में 4 माह बीत जाने के बाद कोई यूं ही जाकर किसी की हत्या नहीं कर देता, इस मामले की CBI जांच की जानी चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय से वो लगातार कहते आए हैं कि लोजपा NDA का अभिन्न अंग है और आगे भी NDA का ही हिस्सा रहेगा। इस दौरान जहानाबाद के अरवल मोड़ पर जिला के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। उन्हें फूलमाला पहनाया गया और उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। क्या है सर इसमें? देखिए, जिस तरीके से अपराध रोज बढ़ता जा रहा है, आए दिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, अभी इसके बाद मैं नालंदा जाऊंगा, वहां पे जिस तरीके से दो युवकों को का गला रेंग कर हत्या कर दी गई, रुपेश हत्याकांड इतना बड़ा, जिस तरीके से बर्बरता से गोली आके उनको मार दी गई, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ। और हमारे मुख्यमंत्री जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, आज अगर उनके रहते हुए अगर इस तरीके से अपराध बढ़ेगा तो ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। इसीलिए उन्हीं से ही उम्मीद है, आशा है कि नियंत्रित करना चाहेंगे तो वही कर सकते हैं, और इसीलिए उनसे आग्रह करते हैं कि अपराध को नियंत्रित करें, अपराधियों को का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको कमजोर करने की जरूरत है। रुपेश हत्याकांड को लेकर के ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने CBI जांच की, हम लोगों ने मांग की है, उनके परिवार के लोगों ने यह आग्रह किया है कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, अब रोड रेज में कोई 2 महीने 4 महीने के बाद जाके थोड़ी ना ऐसे बर्बरता से गोली मारेगा। बट बहरहाल परिवार जब तक संतुष्ट नहीं होता, और परिवार ही आग्रह कर रहा है कि CBI जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री को की जानी चाहिए, और यही मांग मैंने पूरे चुनाव प्रचार में मैंने इस बात को मैंने कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, मैं उनके साथ कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। फिर आपको बैठक में नहीं बुलाया जाता है? बैठक में मुझे निमंत्रण था, बैठक में निमंत्रण था, स्वस्थ होने के कारण मैं नहीं जा पाया। निमंत्रण बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी को बकायदा हर साल की तरह दिया गया। थैंक यू।